अरेंज मैरिज में लड़के गलती से भी न पूछे लड़की से ये सात सवाल। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने TNF न्यूज चैनल पर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। साथ ही लाइक शेयर करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़के अक्सर लड़कियों पर अपना प्रभाव जमाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। कई बार वे प्रभाव जमाने के चक्कर में खुद बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। यदि हम बात करें अरेंज मैरिज की, तो उस वक्त लड़के लड़कियों से इस तरह के बेतुके सवालों की लाइन लगा देते हैं, जिसके चलते लड़कियां उन्हें रिजेक्ट करने पर मजबूर हो जाती हैं। आपके इस तरह के बेतुके सवालों का जवाब देना किसी लड़की के लिए मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। आप किसी भी लड़की से उस तरीके के सवाल करें जिससे लड़कियां आपको बेवकूफ न समझें। ये समझने की सात सवाल सात वचन की तरह हैं, जिन्हें शादी से पहले निभाना अनिवार्य है वरना। तो आइए हम आपको उन सात सवालों से रूबरू करवाते हैं जिसकी वजह से अरेंज मैरिज में लड़कियां करती हैं रिश्ते से मना। पहला सवाल, आपको किस तरह का पति चाहिए। ये विश्व प्रसिद्ध सवाल है। आपको बता दें कि आपके इस सवाल का वे जवाब तो जरूर देंगी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने ऐसा सवाल किया है। आपको बता दें कि अक्सर अरेंज मैरिज में लड़कियां इस तरह के सवाल से परेशान हो जाती हैं। तो आप इस तरह के सवाल करने से परहेज करें क्योंकि इस बेतुके सवाल का आपका बेतुका जवाब भी मिल सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि उस वक्त लड़कियां सिर्फ मन में ही बेतुका जवाब दे सकती है। वे अक्सर मन में यही कहती हैं कि मुझे ऐसा पति चाहिए जिसके सिर पर पैर हो। दूसरा सवाल, क्या आप वर्जिन हो। ये ऐसा सवाल है जिसे हर कोई पूछना चाहेगा, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसका लड़कियों को जवाब देने को मन नहीं करता है बल्कि सामने वाले को गाली देने का मन करता है। बेशक आप ये सवाल करें लेकिन उचित समय देखकर। तीसरा सवाल, फेसबुक पर हो। यदि हाँ तो कितने फ्रेंड हैं। आज के समय में यदि कोई फेसबुक पर है तो फ्रेंड लिस्ट का लंबा होना स्वाभाविक है। अब लड़कियां इसका क्या जवाब दे। इस सवाल को बेतुका ही कह सकते हैं। ऐसे सवाल से आप कितने बुद्धिमान हैं इसका अंदाज लड़कियां तुरंत निकाल लेती हैं। मन ही मन मूर्ख समझने लगती हैं। चौथा सवाल, वैसे मुझे पास्ट से कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं आपके। अब आप खुद सोचिए लड़की इसका क्या जवाब दे। मान लीजिए लड़कियां इसका जवाब दे भी देती हैं, लेकिन वे आपको जरूर रिजेक्ट कर देंगी। वे खुद से ये सवाल जरूर करेगी कि पहले खुद ही इसका जवाब दे दो आप। बॉयफ्रेंड को लेकर सवाल करना ही बेमानी है। पांचवां सवाल, ड्रिंक करती हो। कभी वोडका ट्राई किया है। अक्सर लड़के ये सवाल जरूर पूछते हैं और जब लड़की की तरफ से जवाब हाँ में मिलता है तो अपने आप को कहते हैं कि मैं तो कभी हाथ भी नहीं लगाता। 21वीं सदी में रहते हुए भी यदि लड़के इस तरह का सवाल पूछते हैं तो इस हिसाब से या तो वो बेवकूफ माने जाएंगे या फिर जानबूझकर लड़की को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा शरीफ हूँ। छठवां सवाल, बच्चे पसंद है क्या। ये सवाल तो आप बिल्कुल भी न करें। ऐसा सवाल करने से लड़कियों को सिर्फ यही लगेगा कि आप शादी का प्रपोजल लेकर नहीं बल्कि बच्चों का प्रपोजल लेकर आए हो। ये सवाल आपका इम्प्रेशन पूरी तरह से खत्म कर देगा। सातवां सवाल, मैं आपको कैसा लगा। ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई भी लड़की या लड़का पहली मुलाकात में से ही जवाब नहीं दे सकता है। ऊपर से इस तरह के फालतू के सवालों से आप खुद ही समझ सकते हैं कि उन्हें आप कैसे लगे होंगे। तो आपके लिए ये बेहतर होगा कि इस तरह के सवालों से बचें, क्योंकि वो जमाना गया जब लड़के लड़कियों को रिजेक्ट करते थे। अब सबसे ज्यादा लड़कियां लड़कों को रिजेक्ट करने लगी हैं। देखते रहिए TNF न्यूज YouTube चैनल नवीनतम समाचारों के लिए। सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।